सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं रास्ते से, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, घर में से स्टार्ट करने का टाइम नहीं था, तो इसलिए रास्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं सालासार दर्शन करने के लिए हनुमान जी का, जो कि इंस्पायर है राजस्थान के मंदिर सालासार से। उसी का प्रारूप यहाँ पे कोलकाता पे निर्माण हुआ है 2018 में, उसी का दर्शन करने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं और मंदिर का और दर्शन का लाभ उठवाते हैं घर से भी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मिलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर सालासार धाम, और यही है वो मंदिर जो कि हावड़ा जिले के पाकुड़िया में स्थित है और ये नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। यह धाम राजस्थान में स्थित सालासार बालाजी के रूप से प्रेरित है, जिसका मेन मंदिर आपको राजस्थान में मिलता है और उसी से प्रेरित होकर के कोलकाता में 2019 में यह मंदिर का निर्माण किया गया है। सालासार धाम इकलौता धाम है जहां पे हनुमान जी दाढ़ी मूछ में पाए जाते हैं। इस मंदिर को मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ पे कोई भी मनोकामना लेकर के अपने मन में आते हैं और नारियल और मूली से बांध करके यहाँ पे चढ़ाते हैं या बांधते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति होती है। राजस्थान में स्थित सालासार बालाजी की स्थापना का इतिहास भी बहुत रोचक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, आते आते हम लोगों को थोड़ा शाम हो गया है, तो ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा शाम का माहौल भी हो चुका है, बहुत ही खुशनुमा नज़ारा है। हाँ, बहुत सुंदर, जैसे कि आपने रास्ते में देखा ही होगा। तो चलिए आपको पहले मंदिर का दर्शन कराते हैं और उसके बाद दर्शन कराते कराते आपको इसके बारे में भी जानकारी कुछ दे देते हैं। कहा जाता है कि असोटा में एक किसान खेत जोत रहा था, तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। किसान ने उसे निकाल कर देखा तो वो बालाजी का मूर्ति नुमा पत्थर था। फिर किसान ने वो मूर्ति असोटा के ठाकुर को सौंप दी। उसी रात ठाकुर के सपने में बालाजी आए और कहा कि ये यहाँ के लिए नहीं बल्कि सालासार के लिए प्रकट हुआ है, उन्हें सालासार पहुँचाया जाए। इस प्रकार ठाकुर ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रख कर उसके दरबार के लोगों को सालासार की ओर भेज दिया। तभी से इनको सालासार बालाजी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के बाहर यहाँ पे प्रसाद मिल रही थी, जहाँ पे बूंदी और बूंदी के लड्डू बुनिया मिल रहे थे, और बजरंगबली को बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोगों ने सोचा कि बूंदी के लड्डू ही लिया जाए भगवान को चढ़ाने के लिए। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है उसकी कलाकारी बहुत ही अद्भुत है। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा, जो भी जितना भी हम ले पाए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सक रहे होंगे बहुत सारे नारियल मूली के धागे में बंधी हुई है। माना जाता है कि अगर आपको कोई भी मन्नत मांगना है तो मूली के धागे में नारियल को बांध कर यहाँ पे लटका दिया जाता है, और कोई भी जो भी आपके मन में मन्नत हो वो आप मान सकते हैं भगवान से, और वो मन्नत पूरी होती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे धुनी वगैरह जल रही है, जो बाबा की धुनी है, जो 24 आवर्स यहाँ पे जलती रहती है।
फ्रेंड्स, हमारा दर्शन कंप्लीट हो चुका है और मंदिर का पूरा दर्शन तो हमने करवा ही दिया है आप लोगों को। अंदर मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं है तो अंदर हम नहीं करवा पाए प्रॉपर तरीके से दर्शन आपका, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब जब भी कोलकाता में आए घूमने के लिए तो इस मंदिर का दर्शन भी ज़रूर करें। हम लोग भी फर्स्ट टाइम आए ना, एकदम फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये राजस्थान में जो सरासर मंदिर है उसी का एक रूप यहाँ पर बना हुआ है। इसके पीछे की जो भी कहानी है वो तो हम आप लोगों को पूरे मंदिर के दौरान दिखाने के दौरान ही बता चुके हैं। तो यही मान्यता है यहाँ पे, और राजस्थान में जो सरासर भगवान है उन्हीं को प्रत्यक्ष रूप मानकर यहाँ पे स्थापित किया गया है। इस मंदिर का 2018 में निर्माण हुआ है ना, 2018 में निर्माण किया गया है और तभी से ये धुनी भी चलती आ रही है, अखंड धुनी। फ्रेंड्स, आपको ये मंदिर का दर्शन आई होप से बहुत अच्छा लगा होगा। और जब भी आप कलकत्ता आएँ, कोलकाता आएँ, अभी कोलकाता हो गया तो कोलकाता जब भी आप आएँ तो इस मंदिर का जरूर से दर्शन करें। क्योंकि मंदिर के बाहर गेट पे यहाँ पे मिल रही भगवान का भोग लगाया हुआ केसरिया भात, जो कि मीठे चावल भी होते हैं। हम लोग बाहर आने के बाद हम लोगों को मिला ये प्रसाद, जो कि मीठे चावल हैं। ये प्रसाद के रूप में यहाँ पे गेट के बाहर सभी को दिया जाता है, तो हम लोगों ने भी सोचा कि प्रसाद को ग्रहण किया जाए। वही है और प्रसाद में है मीठे चावल, तो आप आए तो अगर प्रसाद मिल रहा हो तो जरूर से ग्रहण करें। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आता है और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मंदिर कैसा लगा। तो हम लोग का दर्शन हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि दर्शन करने के बाद शाम में निकले हैं तो बाहर थोड़ा चाय पी के ही जाएंगे, ना कि घर में जा कर चाय पियेंगे। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं ढाबे पे और यहाँ की चाय बहुत ही फेमस चाय, कुल्हड़ वाली चाय, तो वही पीने के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और ये यहाँ से आते जाते इसलिए उनको पता है कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग यहीं पे रुके हैं चाय पीने के। और ये आ गई हमारी चाय। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप कलकत्ता से हैं या फिर कलकत्ता आने वाले हैं तो प्लीज़ इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करें और मुझे उम्मीद है आपको ये मंदिर बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें और लाइफ को बहुत 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 इंजॉय करें।